अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, auth के नाम से न्यू राउट और कंट्रोलर फाइल्स क्रिएट करना है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे फिर रजिस्टर और लॉगिन की फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं राउट्स के अंदर, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे auth routes के नाम से, authroutes.js। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक्सप्रेस को इम्पोर्ट कर देंगे, const express require of एक्सप्रेस। उसके बाद में राउटर ऑब्जेक्ट const राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस के अंदर से हम क्या करेंगे राउटर को यहाँ पर कॉल कर लेंगे और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, और यहाँ पे हमारे सारे राउट्स हम क्रिएट करेंगे। पहले शुरू हमको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर के लिए करना है, और इसका जो मेथड रहेगा वो रहेगा पोस्ट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट से हमको कुछ डेटा सर्वर पे भेजना है, और इसमें यूआरएल एंड पॉइंट रहेगा रजिस्टर, क्योंकि अभी हम रजिस्टर पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर रजिस्टर के नाम से एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोलर फंक्शन यानी कॉल बैक फंक्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन हम इसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सेपरेट, जैसे हमने टेस्ट के लिए किया था ना, एमवीसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ और controllers.js, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो const इसका नाम हम रख देंगे रजिस्टर कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। सो आप क्या करें यहाँ पे लिखें एम्प्टी एरो फंक्शन, नीचे हम क्या करेंगे एक्सपोर्ट भी कर देंगे। सो ये रहेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे इनको पास करा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर, और साथ ही में हम क्या करेंगे कमेंट भी बना लेंगे ताकि हमको याद रहे, ये है रजिस्टर। सेव कर लेते हैं इसको, अभी इसके अंदर हमको काम करना है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने सिर्फ कंट्रोलर फंक्शन बना के छोड़ दिया ताकि हम उसको auth routes के अंदर इस रजिस्टर के एपीआई एंड पॉइंट में ऐड कर सकें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर, देखिए सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर राउट और कंट्रोलर फाइल का सेटअप हो चुका है। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसको सर्वर डॉट जेएस की फाइल में बताना है कि हमारे पास अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड भी राउट्स हैं, जैसे कि हमने टेस्ट के लिए बनाया था, सेम उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड राउट्स बता देंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है एप डॉट यूज, और इसमें हम क्या करेंगे नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे API/V1/auth, और उसके बाद में जो भी बाकी का सब राउट रहेगा, कौन सा सब राउट, auth राउट्स के अंदर देखिए रजिस्टर, तो ये एंड पॉइंट इसके बाद में ऑटोमेटिकली ऐड होता चलेगा। इसके बाद में आपको जो है रिक्वायर करना है राउट्स की फाइल को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है auth routes। सेव कर लेते हैं इसको, जैसे सेव करेंगे तो अब हमारी एप्लीकेशन को पता है कि यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड भी राउट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, तो वो सब राउट चेक करेगा इस auth routes के अंदर। तो auth routes के अंदर सब राउट है हमारे पास फिलहाल रजिस्टर, और अब हम क्या करेंगे रजिस्टर कंट्रोलर पे काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस फंक्शन को जो है एसिंक कर लेंगे। सो एसिंक एरो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम इसमें रिसीव करते हैं। साथ ही में आप क्या करें बेटर एरर हैंडलिंग के लिए जो है ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैच में सिंपल आप क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉक कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो, साथ ही में एज अ रिस्पॉन्स भी आप सेंड कर सकते हैं, जैसे कि रेस डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500, उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और फिर मैसेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एरर इन रजिस्टर एपीआई, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। साथ ही में जो भी एरर है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब ट्राई में हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो कुछ चीजें हमको यूजर से गेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर सारा डेटा हमको मिलता है, तो इसमें हम क्या करेंगे रिस्ट्रक्चर कर लेंगे सारी चीजों को, कहां से फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स पार्ट होता है और फिर बॉडी भी पार्ट होता है। हेडर्स के अंदर जो है मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा मतलब क्या हो गया टोकन हो गया, साइट का URL एटसेट्रा, बेसिक आपने पढ़ा होगा SEO में। और बॉडी के अंदर पूरा विजिबल पार्ट रहता है, जैसे फॉर्म डेटा,
तो ये सारी चीजें हम बॉडी के अंदर से गेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर करेंगे। डिस्ट्रक्चर मतलब क्या है, एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जैसे कि यूजर नेम, यूजर नेम मिलेगा, उसके बाद में ईमेल मिलेगा, पासवर्ड, और क्या है, फिर फोन है, फिर एड्रेस भी है ना, तो एड्रेस भी हमको चाहिए, और इतना ही फिलहाल के लिए ले लेंगे, बाद में इस पर और काम करेंगे। और यहाँ पे इसके बाद में वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे कि इन केस अगर कोई भी फील्ड यहाँ पर नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे मॉडल में हमने सबको रिक्वायर करके रखा है, तो रिक्वायर का मतलब क्या होता है कि मस्ट है कि ये चीजें पास हो, तभी जो है यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यूजर क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेट एक वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे छोटा सा, इफ नॉट यूजर नेम, अगर यूजर नेम नहीं मिलता है, या फिर और की कंडीशन ऐड करेंगे, फिर नॉट ईमेल, अगर ईमेल भी नहीं मिलता है तब क्या करो, फिर अगेन हम नॉट पासवर्ड कर देंगे एंड नॉट एड्रेस, और फोन भी है ना, तो फोन भी हम ऐड कर देंगे नॉट फोन, और मैं एड्रेस रिमूव कर लेता हूँ, एड्रेस यूजर बाद में भी ऐड कर सकता है या फिर रहने देते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें नहीं मिलती तो यहीं से इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न विथ रिस्पॉन्स। तो लेट्स स्टार्ट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे, फॉल्स, मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड। तो ये मैसेज हमने ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा, जैसे इनमें से कोई भी एक फील्ड हमको नहीं मिलती है, तो यहीं से जो है हम रिटर्न हो जाएंगे, आगे का लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो भी मैसेज है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे कि कोई ना कोई फील्ड मिस हो गई है, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स, ये वाला मैसेज यूजर को शो करेगा, यानी क्लाइंट में शो करेगा। अब जैसे ये वैलिडेशन कंप्लीट होता है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर को चेक कर लेंगे। सो चेक यूजर, क्योंकि हो सकता है ना यहाँ पर ऑलरेडी वो ईमेल के साथ में रजिस्टर हो, लेकिन फिर से वो सेम ईमेल आईडी के साथ में रजिस्टर करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग यूजर भी चेक कर लेंगे। सो कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, और उसके बाद में आपको यूजर मॉडल को इम्पोर्ट करना है। अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हैं, अगर आप लिखेंगे यूजर मॉडल तो आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएंगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड वन का इस्तेमाल कर लेंगे, फाइंड वन, और ईमेल के बेस पे हम क्या करेंगे, यूजर को फाइंड करेंगे। अब की वैल्यू पेयर सेम है, यानी कुछ इस तरीके से अगर सेम है तो सिंगल टाइम में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी वैलिडेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एग्जिस्टिंग यूजर, अगर ये एग्जिस्टिंग यूजर है तब क्या करो, उसको यहीं से रिटर्न कर दो, फिर रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, लेट्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, और फिर सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन। तो ये मैसेज हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। अब अगर ये सारे सिनेरियोस कंप्लीट हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू यूजर को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट यूजर, आप इसको न्यू यूजर भी कर सकते हैं, मैं सिंपल यूजर कर रहा हूँ, इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे अगेन, और इसके अंदर हमको क्रिएट फंक्शन मिलता है। क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजर नेम, उसके बाद में ईमेल, और फिर पासवर्ड यहाँ पर पास करा देंगे, उसी तरीके से एड्रेस भी हम पास करा देंगे, और लास्ट में बचता है फोन। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पास करा दिया। अब जैसे ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, लेट्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201, दैट मीन्स समथिंग हैज बीन क्रिएटेड, उसके बाद में सेंड फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे ट्रू, मैसेज भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, मैसेज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, सक्सेसफुली रजिस्टर हमने यहाँ पर लिख लिया, सेव कर लेते हैं इसको, तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको लगेगा पोस्टमैन। तो सबसे पहले आप क्या करें, पोस्टमैन टूल को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको लॉग इन करना है, लॉग इन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा, अगर आप लॉग इन करेंगे तो सेम इसी तरीके से शो करेगा, वरना ये जो साइड बार है ना वो शो नहीं करेगा अगर आप यहाँ पर लॉग इन नहीं करते हैं। तो साइन अप कर सकते हैं, साइन अप फ्री है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे, और अगर इंटरफेस में आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो सेटिंग में जाके आपको सारा सेटअप यहाँ पर मिल जाएगा, क्या क्या चीजें हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इतनी खास जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू कलेक्शन क्रिएट करना है, न्यू कलेक्शन, और इस कलेक्शन का नाम मैं रख देता हूँ फूड डैश ऐप।
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए थ्री डॉट्स पर क्लिक करिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फोल्डर ऐड करना है और इसका नाम हम रखेंगे ऑथ। ऑथ के अंदर हम क्या करेंगे, जितना भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हमारे पास एपीआईज है उसको रखेंगे। अगेन आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसका नाम लिख लेता हूँ रजिस्टर। रजिस्टर मैंने लिखा तो फर्स्ट रिक्वेस्ट हो गई रजिस्टर, उसमें मेथड टाइप रहेगा पोस्ट, उसके बाद में हमारा यूआरएल। यूआरएल हम कैसे लिखेंगे, http://, उसके बाद में लोकल पोर्ट और फिर पोर्ट नंबर, हमारा पोर्ट नंबर है 8080, फिर उसके बाद में नेमिंग कन्वेंशन एपीआई v1, फिर उसके बाद में auth, auth के बाद में सब राउट जो कि है रजिस्टर। उसके बाद में आप बॉडी पर क्लिक करेंगे, फिर रॉ डेटा और टेक्स्ट के बदले आप यहां से जेसन सेलेक्ट करेंगे और यहां पे आपको एज अ ऑब्जेक्ट सारी चीजों को पास कराना है, जैसे कि यूजर नेम, यहाँ पे हम यूजर नेम में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि टेक इन्फो YT। उसके बाद में हमारे पास था ईमेल, ईमेल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि t@t.com। उसके बाद में हमारे पास था पासवर्ड, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखिए वरना ये काम नहीं करेगा। और ये जेसन है तो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में आप लिख सकते हैं। पासवर्ड 12345678 कर देते हैं इसको फिलहाल के लिए। उसके बाद में हमारे पास था फोन, ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, बस वैल्यू सही होना चाहिए। फोन में भी सेम कुछ भी लिख लेता हूँ मैं रैंडम वैल्यू, फोन नंबर भी हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद में हमारे पास था एड्रेस, और एड्रेस था एरे। एरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ क्या लिखे इसमें, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एरे है तो मल्टीपल वैल्यूज आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मुंबई, फिर उसके बाद में इंडिया, या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप इसमें कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम बाद में भी देख सकते हैं, सो डोंट वरी। और इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं वरना काम नहीं करेगा अब, ठीक है। बाद में इसको और हम क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, फिलहाल सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज ऐड हो गई, लेकिन आपको सर्वर को भी रन करना है, तो चलेंगे वीएस कोड में और टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से हम सर्वर को रन कर देंगे, npm रन सर्वर। तो यहाँ पर हमारा सर्वर रन हो चुका है और सक्सेसफुली डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। अब आप क्या करें, MongoDB कॉम्पस को भी ओपन कर लें। आई होप आपको कॉम्पस पता होगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। MongoDB पे जाइए आप, MongoDB.com, और यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स में जाना है और यहाँ पर देखिए कॉम्पस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। ये GUI टूल है जिसकी मदद से आपको बार बार क्लाउड पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप लोकली अपने सिस्टम में पूरे क्लस्टर में जितने भी डेटाबेस है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इसको डाउनलोड करके रखें। डाउनलोड का लिंक आपको टॉप पे मिल जाएगा, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करिए, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है और जो भी आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है उससे आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ से सेलेक्ट करिए, डायरेक्ट इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉलेशन पार्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लॉग इन करने के बाद अब मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ कैसे शो करता है। MongoDB कॉम्पास ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। इनिशियली ये लोकल होस्ट शो करता है, लेकिन आपको इस एड्रेस को कट करके अपना क्लस्टर का एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है। कौन सा क्लस्टर का एड्रेस, जो .env के फाइल में आपने लिखा हुआ है ना, मेक श्योर वहां पर जो डेटाबेस का नाम लिखा है ना हमने उसको मत सेलेक्ट करिए, उतना पार्ट कट कर दीजिए और बाकी जितना भी कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर ऐड करिए और कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मेरे केस में मैं ऑलरेडी कनेक्ट करता हूँ तो रिसेंट में शो करता है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से ये एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद में आपको कनेक्ट कर लेना है, जैसे कनेक्ट करेंगे तो जितने भी डेटाबेस है वो यहाँ पर शो करेंगे। अभी फिलहाल देखिए हमारे पास फूड ऐप के नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे पहले शुरू हमारे रजिस्टर की रिक्वेस्ट को। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे रजिस्टर की रिक्वेस्ट रेडी है, अब इसको टेस्ट कर लेंगे, अगर कोई भी एरर आता है तो उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस फॉल्स एरर है। चलते वापस वीएस कोड में तो देखिए यहाँ पर यूजर नेम इज नॉट डिफाइन आ रहा है, तो मतलब हमसे स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एन जो है ना ये कैपिटल में है, सो आप लिखेंगे यूजर नेम। अब मैं वापस से सेंड पर क्लिक करता हूँ, अगेन प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स आ रहा है, मतलब कुछ और भी मिस है इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो चेक कर लेंगे। यूजर नेम, अच्छा देखिए यहाँ पर भी लोअर केस में हमने ऐड कर दिया, तो इसको भी हम क्या करेंगे अपर केस में कर लेंगे, ये है यूजर नेम। और बाकी सब कुछ सही है, सेव कर लेते हैं वापस से, इस बार ये काम करेगा। चलते हैं वापस पोस्टमैन में और मैं
सेंड पर क्लिक करता हूं तो देखिए सक्सेस ट्रू और मैसेज भी हमारे पास आ चुका है। आप चाहे तो एक और काम कर सकते हैं, रिस्पॉन्स में जो है ना यूजर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर सक्सेस है ना, तो जो यूजर आ रहा है ना उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। सेव कर लेते हैं, अभी तो यूजर ऑलरेडी ऐड हो गया होगा, तो डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं, डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश कर लें। और हमारे डेटाबेस का नाम हमने नहीं लिखा कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आई थिंक मैं भी भूल गया, ENV फाइल में ऐड करना। अच्छा बिल्कुल, डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, सो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ फूड डैश ऐप। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो टर्मिनेट करके वापस से इसको रिस्टार्ट कर लें, NPM रन सर्वर, और बाकी सब कुछ तो सही। चलते वापस पहले डेटाबेस एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पर क्रिएट तो हो जाना चाहिए, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फूड ऐप क्रिएट हो गई और यूजर का एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अभी देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं है। अब चलते हैं वापस पोस्टमैन में। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस रो और यूजर कौन सा सेव हुआ है वो भी यहाँ पर शो करेगा। अब चलते हैं इसको डेटाबेस में भी चेक कर लेंगे। चलते हैं डेटाबेस में। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट शो करेगा, रिफ्रेश, तो देखिए एक डॉक्यूमेंट अपने पास बराबर से आ रहा है। और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो पासवर्ड की फील्ड अभी विजिबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, लॉगिन रजिस्टर देख लेंगे, उसके बाद में फिर हैशिंग और टोकनाइजेशन का पार्ट भी देख लेंगे, कैसे आप जो है ऑथेंटिकेशन पर काम कर सकते हैं, यानी इसको हैश कर सकते हैं और लॉगिन के टाइम पे एक टोकन भी जनरेट कर सकते हैं, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट वो सारा पार्ट भी अभी हमको देखना है। लेकिन फिलहाल रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर न्यू यूजर क्रिएट हो चुका है।